गंडेरी कंडेरी मीठा रस ठा ठू ठी रस जी हाँ। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इस कैमरे में देख के हाथ हिलाने वाला हूं तो ये आपको भूल यहाँ ले आए हो वो क्या कर रहे हो यार अब वहां देख के घंटे से कुत्ता की तरह भौंके जा रहे थे बड़बड़ा रहे तुम कैमरा उठा के यहाँ ले आए अब देखो कहाँ कहाँ से पसीना निकले गुर्दा मुंह में आ गया तुम जाओ अपने बस कराओ जाके जाओ तुम खेलो नहीं तुम खेलो जा रहे नमस्कार एक दो तीन चार आओ मिलके बैठे यार मैं हूं नरेंद्र हरी नहीं शंकर बिहारी और सभी दर्शकों का इस ऐतिहासिक एपिसोड स्वागत है अंग्रेजी देश पाकिस्तान के मुंह भारत का एक और तमाचा यूएन में प्रधानमंत्री इमरान खान अपने भाषण का प्रचार करते रहे और भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे ये कान की भूल थी कि वहां बैठे भारतीय दर्शक उसे सुन रहे हैं दरहकीकत भारतीय दर्शक वहां बैठे क्या कर रहे थे ये हम आपको दिखाते हैं गौर से देखिए इस भारतीय महिला को यूएन में बैठी ये क्या कर रही है अक्सर चर्च का आखिरी सूटर लगाने के बाद ऐसी हालत होती है या फिर कुप्पी और भंग ने इसको जहनी तौर पर ऐसा मफलूज कर दिया है कि यूएन में क्या चल रहा है इसे कुछ पता नहीं बल्कि ये तो कानों के नासूर हिमेश रेशमिया के गानों का आनंद ले रही है जी हां पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान जिनकी आवाज इमली के ज्यादा इस्तेमाल के बाद दिन ब दिन धीमी हो रही है यूएन में गांधी के बहुत गुण गा रहे थे लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सभी दर्शक जानते हैं कि गांधी जी के पास सिर्फ एक सफेद लट्ठा था लट्ठे दी चादर तुम्हें कहा था तू यही था जी हाँ मैं यही था एक सफेद लट्ठा और जब उस लट्ठे को धोकर तार पे लटकाया करते थे तो सूरत में गांधी जी अक्सर सहन में बरहना हालत में खड़े रहते थे और जिसे देखने के बाद अक्सर राह चलते बच्चों का तरा निकल जाया करता था और अब पाकिस्तानी दर्शक जनता ये चाहते हैं मोदी जी भी बरहना हालत में खड़े हो जाए तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो बहुत बेहूदा लगते हैं चलो इमेजिन करके भी अजीब सा लग रहा है और पाकिस्तान अब तुम कहां निकल गए बे अब ऊपर क्या कर रहे हो बे तुम नीचे आओ तो तुमने बहुत तंग किया बे नीचे आओ यार जी हाँ क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान के अभिनंदन उस मूछों वाली बंदरिया को अगर पकड़ लिया तो क्या पूरे भारत को दबोच लिया पकड़ना है और अगर बाप में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ क्योंकि आ रहा हूं मैं एलओसी पर और वहां पे पाकिस्तानी सेना का नापाक चेहरा दुनिया भर को दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं वहां पे सैनिक पकड़ना है ना बहुत दबोचने का शौक है पकड़ो मुझे आ रहा हूं मैं ओह नो जी बिल्कुल जुड़े हुए सभी दर्शक और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था और उस वक्त मौजूद हूं मैं एलओसी के पास पाकिस्तान की सेना के बिल्कुल करीब और बाढ़ में कब आपको फील हो रही होगी और अब कर रहे क्या जा रहे हैं आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से तमाम तर कार्रवाई यहां पर की जा रही है किस तरह से बेनकाब करते रहे हैं पाकिस्तानी सेना का चेहरा और फायरिंग भी आपको पीछे फील हो रही होगी और कैमरामैन मेरे दिखाई रहे होंगे किस तरह से गोलाबारी का सिलसिला पीछे से जारी है और अब आठ भी ऐसे फील हो रही है कि करीब कोई आ रहा है अरे का रहना फैला दियो तुम जानते नहीं हो पाकिस्तान आर्मी है एसएसजी कमांडो है अरे के अरे नहीं चाहिए हमें पैंट अरे पहन ले यार ओनियन ओनियन अरे 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 हो गया है भाई हो गया है अरे जाओ तुम अबका नीला पनीर बनाओगे का हमारे को ऐसा करो तिल भी लगा दो नमस्कार दर्शकों आइए आपको लेकर चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ पाक भारत एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे एक साथी रिपोर्टर को पकड़ के कुत्ते की तरह धोया उसको इतना बजाया कि शादी में शनाया बजती होंगी विजुअल्स ये देखिए मारो नहीं भैया क्यों ना मारूं अरे दर्द होता है गाली किसको दे रहा था गाली गलती से निकल गई भैया मेरे मुंह से निकल गई क्या बताऊं बोल रहा था खान साहब को क्या बोल रहा था खान को कुछ नहीं बोला खान बहुत बहुत हैंडसम है लेकिन उससे मुर्ख नहीं चलता भैया घबरा क्यों रहा भगवान मेरी घबरा नहीं रहा मैं चल चल टाइम जाया नहीं कर उठ पाकिस्तान में घबराना नहीं है चलो उठ टाइम जाया नहीं कर उधर चलो कहाँ चले उधर कराची ले चलो भैया कराची आ रहा हूँ मैं अगली वीडियो वहां बनाएंगे ठीक है गुटका मुटका किसी के पास हो तो लेके रख लेना
तमाम दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब लोगों की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। कैप्सूल फिल्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सब्सक्राइब करें कैप्सूल फिल्म, दो सुबह दो शाम। लेनी कैसे? दूध से लेनी ना, पानी से लेनी है, हौसले से लेनी है भैया।